गाइस अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2000 रुपये का किस्त मिलता है, तो बता दें कि आप सभी किसान भाई लोगों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। बेसिकली हमारे बहुत सारे किसान भाई लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, तो बता दें कि आप सभी लोगों के लिए जो इंतजार का पल था वो लगभग खत्म हो चुका है। यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 18वीं किस्त का जो डेट था उसे जारी कर दिया गया है बकायदा, और इस डेट के बाद हमारे किसान भाई लोगों के खाते में 18वीं किस्त आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारे किसान भाई लोगों को अपने खाते में कुछ चीजें चेकआउट करना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज लगभग 30-40% किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 18वीं किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो यहाँ पर अपडेट क्या है इसके बारे में आप लोग को डिटेल से बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बेसिकली यहाँ पर जो डेट जारी किया गया है इसे मैं आप लोग को प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग को ये चीजें चेकआउट कर लेना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज 18वीं किस्त आप लोगों के खाते में नहीं आएगा। देखिए बहुत सारे हमारे किसान भाई लोग ऐसे भी हैं जिनका खाता जो है कि काफी पहले अकाउंट ओपन हुआ था, जैसे इलाहाबाद बैंक हो गया, यानी कि इंडियन बैंक जो कि अब हो चुका है, SBI में हो गया, साथ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, इन तरह के कई सारे ऐसे बैंक है जिनमें हमारे किसान भाई लोगों का अकाउंट बहुत ही पहले ओपन हुआ था। अब ऐसे में किसान भाई लोग क्या करते हैं, उस खाते का प्रयोग केवल DBT यानी कि जो है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सब्सिडी वगैरह दी जाती है उसका प्रयोग करने के लिए करते हैं। लेकिन आप लोग को बता दें कि अगर आप लंबे अरसे से अपने खाते में अगर ज्यादा किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं तो मे भी आपके उस खाते में जो DBT है वो इनएक्टिव हो गया। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज आप लोग चेकआउट कर लीजिए कि आपके खाते में DBT लिंक है या फिर नहीं। अगर आपका NPCI प्लस DBT लिंक नहीं होगा तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 18वीं किस्त है वो आपको नहीं मिल पाएगा, उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो ऐसे में आप लोग आधार के वेबसाइट पर जा करके ये चेकआउट कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, जिससे आप लोगों को किस्त लेने में यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त लेने में किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं होगी। आप लोग को यहाँ पर मैं डेट और टाइम भी दिखा दूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये ऑफिशियल साइट है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 18वीं किस्त जारी करने का डेट है यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज्ड 18th पेमेंट इंस्टॉलमेंट आप पीएम किसान स्कीम ऑन 5 अक्टूबर 2024, यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 18वीं किस्त का जो डेट है उसे जारी कर दिया गया है और यह 5 अक्टूबर से हमारे किसान भाई लोगों के खाते में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग अपने खाते में ये चीजें जरूर चेकआउट कर लीजिए कि आपके खाते में DBT लिंक है या फिर नहीं, साथ में KYC वगैरह भी आप लोग को चेकआउट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे भी किसान भाई लोग हैं जिनका जो कि उनका KYC कंप्लीट उन्हें लगता है कि हो चुका है लेकिन उनका KYC कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ है, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में हमारे किसान भाई लोगों को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने KYC बैंक में जाकर के कराया है वो KYC उन्होंने जो है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी हो चुका है साथ में उसी KYC के साथ में, ठीक है। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि बैंक में KYC अलग होता है प्लस आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर KYC अलग होता है, ये KYC दोनों के दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो आप लोग को भी ये बताना बहुत ही जरूरी है, आप लोग को यह जानना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपको सभी को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 18वीं किस्त नहीं मिल पाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक नया जानकारी मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।